एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उल्लू ऐप की एक और नई वेब सीरीज जिसका नाम है लेडी फिंगर पार्ट वन। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लेडी फिंगर वेब सीरीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लेडी फिंगर वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे। हम आपको बताएंगे कि लेडी फिंगर वेब सीरीज की कहानी क्या है और आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, और इस सीरीज के कलाकारों के नाम क्या है और सभी कलाकारों ने कैसा काम किया है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। लेडी फिंगर वेब सीरीज का ट्रेलर YouTube पर आप देख सकते हो। लोगों ने इसके पार्ट वन को काफी पसंद किया है, और मैं आपके बता दूं कि लेडी फिंगर वेब सीरीज में आपको काफी पलंग तोड़ सीन देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लेडी फिंगर वेब सीरीज उल्लू ऐप की एक हिंदी भाषा की वेब सीरीज है, और इस सीरीज को उल्लू OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों रिलीज हो चुका है, और मैं आपके बता दूं कि अगर आपका उम्र 18 साल नहीं है तो आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसके अंदर वैसे वाले सीन कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपकी उम्र अगर 18 साल या उससे ज्यादा है तभी आप इस वेब सीरीज को देखें। तो चलिए इसके कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी की बात करें तो लेडी फिंगर वेब सीरीज में आपको दिव्या और देव की कहानी देखने के लिए मिलेंगे। दिव्या और देव पति पत्नी है, और दिव्या देव को काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन देव एक नंबर का ठरकी इंसान होता है। वो दिव्या को धोखा दे के छुप छुप के रानी नाम के लड़की से मिलता है और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करता है, और अपनी वाइफ दिव्या को छोड़कर रानी से शादी करने के सपने देखता है। दिव्या को धीरे धीरे अपनी पति देव पर शक होता है कि वो उसको धोखा दे रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। लेकिन दिव्या एक दिन देव को रानी के साथ एक रेस्टोरेंट में दोनों को एक साथ देख लेती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इतनी देर में दिव्या को जानवी नाम की लड़की मिलती है। दिव्या और जानवी एक दूसरे को पहले से जानती है। दिव्या को इतना परेशान देखकर जानवी उससे पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तब दिव्या उसको सब बता देती है। उसके बाद जानवी दिव्या को एक सलाह देती है कि तुम कोई एक हॉट सी लड़की को देव के पास भेज दो, अगर वो उसके साथ फिजिकल हो जाता है तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें काफी प्यार करता है। तब दिव्या बोलती है कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए ये काम करेगी। तब जानवी बोलती है मैं करूँगी। और अगले दिन लिफ्ट लेने के बहाने जानवी देव से मिलती है, और पहली मुलाकात में ही वो देव के साथ फिजिकल हो जाती है। लेकिन जब दिव्या उसे पूछती है कि देव ने तुम्हें छुआ या नहीं, तब वो मना कर देती है और बोलती है कि देव अच्छा लड़का है और तुम्हें काफी प्यार भी करता है। अब जानवी ने दिव्या को ऐसा झूठ क्यों बोला और आगे की कहानी में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको लेडी फिंगर पार्ट टू का रिव्यू का इंतजार करना होगा। अगर इस वेब सीरीज की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको आयुषी जायसवाल दिव्या के रोल में, माही कौर जानवी के रोल में, पल्लवी देवनाथ रानी के रोल में, पीयूष सुहाने देव के रोल में, ये सब मुख्य रूप में देखने के लिए मिलेंगे। इसके सभी कलाकार ने अच्छा काम किया है, साथ ही कुछ और भी कलाकार इसमें मौजूद हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपको लेडी फिंगर वेब सीरीज से जुड़ी लगभग सभी जानकारी मिल गई होगी। आप इस सीरीज को देखोगे या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।